कहा है, कल आपने देखा होगा एक घटना हुई थी हल्द्वानी में। हमने कहा हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। हम इसको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी।